कि प्रोफेट नो को इंडिया में सेंड किया गया था yes. सेंड किया गया भेजा hmm. गया था सेंड वैसे कह हां सो प्रोफेट नो के ऊपर हमने ज्यादा वीडियोस नहीं बनाई मतलब बनाई hmm. नहीं हार्डली फर्स्ट वीडियो होगी मेरे ख्याल से ना? फर्स्ट so, फर्स्ट ये सो अभी प्रोफेट यूसुफ के ऊपर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है कह रहे मतलब ये सुनने में कमेंट्स में आता है कि सबसे खूबसूरत धरती पे इंसान थे तो वो प्रोफेट यूसुफ ही थे तो so हाँ। उनकी सीरीज स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं सीरीज भी करना पड़ेगा आप लोग देखना वेट करना सीरीज भी करना okay. पड़ेगा उनकी स्टार्ट हजरत यूसुफ अली सो आप बताना कमेंट्स uh, में सीरीज तो दूसरे चैनल पे आएंगी और इतनी कमाल की हम नाथ और नोहा मनकाबाद वगैरह देख रहे हैं लिटरली कलाम देख रहे हैं मजा है, बहुत देख मजा आ रहा है ब्लास्टर पे और बहुत लोग वहाँ पे भी प्यार कर रहे हैं कमेंट्स कर रहे हैं बहुत मजा आ रहा है आई थिंक आप में से कुछ होंगे वहां पे और कुछ नए भी होंगे तो so, जरूर आप जाके नाथ नोहा चेक करना आपको मजा आएगा हमारे साथ देखने का मतलब हमारी फीलिंग आप वहाँ पे देख सकते हो सो इसको करते हैं प्ले फिर करते हैं बाकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हसी टीवी यूट्यूब चैनल बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती थी टीवी वीडियो बनाओ वीडियो कोई सजेस्ट नहीं करेगा

कुरान करीम की शुरा रात के अंदर अल्लाह पाक ये तौर पर फरमाते हैं कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा फिर हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर एक कौम और हर एक जगह पर इंसानियत जहाँ पर आबाद थी एक लाख चौबीस हज़ार पैगम्बर भेजे गए लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ और सिर्फ पच्चीस पैगम्बरों का है क्योंकि अगर इन सब के नाम ज़िंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो ये कुरान करीम हिदायत और इबरत की किताब की बजाय तारीख की किताब ज़्यादा मालूम होती इसीलिए इनका जिक्र करना ज़रूरी नहीं था मगर आज हिंदू मज़हब के मानने वाले लोगों का यह दावा है कि इनका सनातन मज़हब यानी हिंदू मज़हब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया इनके पास भी कुरानी करीम की ही भगवान की तरफ से भेजी हुई किताबें वेदास की सूरत में मौजूद हैं जिसमें किसी भी पैगम्बर का कोई जिक्र नहीं जबकि सूराबिया आयत एक सौ सात के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं की हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा जिसका मतलब है की इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है तो फिर हिंदू मज़हब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं अगर इस सरजमीन पर कोई नबी वाकई नहीं भेजा गया तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इनकी किताबों के अंदर कैसे मौजूद है नूअसलम और इनकी कश्ती का जिक्र कैसे बयान किया गया है जरत ईसा थी। तो, की वापसी का जिक्र कैसे बयान हुआ है एक अल्लाह की इबारत का क्यूँ कहा गया है अगर ये वाक्य इस कौम के अंदर हिदायत के लिए आने वाले किसी नबी की तलीमत है जिन्हें वक्त के साथ बिगाड़ दिया गया तो वो कौन से पैगम्बर है यानी सवाल यह है की यह हिंदू किस नबी की उम्मत है आइए इन सवालों का जवाब तारीख से तलाश करने की कोशिश करते हैं और ऐसे हकाइक जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित स्कॉलर्स और तारीखदान आज तक दुनिया से छुपाते हैं हिंदू मज़हब के मानने वालों का यह दावा है कि ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब है इतना कदीम के जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज़ का वजूद तक मौजूद नहीं था जो कि सही भी है क्योंकि कुफ़र और शिरक की इब्तः इसी दिन से हो गई थी जब हज़रत आदम के बेटे काबिल ने हबील को कत्ल किया और इनसे अलग होकर कुफ़र और शिरक के अंदर मुब्तला हो गया हज़रत इब्राहिम की कौम भी बुत बुधप्रफ थी मूसम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी यहाँ तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से कबुल काबा के अंदर तीन सौ साठ बुत मौजूद थे जिन्हें फ़तेह के वक्त सहाबा राम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जिससे ये मालूम होता है कि बुध परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान अबरत आदम सलाम की एक नाफरमान औलाद के वक्त से आज तक मौजूद है मगर इसका तल्लु किसी मज़हब से नहीं बल्कि गुमराही से है जो कि शैतान इनसे करवाता रहा मगर जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर इन लोगों की हिदायत के लिए यकीन कई पैगम्बर भेजे गए जिनकी कुछ तालीमत तो आज भी सही हालत के अंदर मौजूद है मगर ज्यादातर को बिगाड़ कर इसी की वजह से बुधप्रस्ती और गुमराई शुरू हो चुकी है क्योंकि इन किताबों में आज भी एक खुदा की भारत का हुक्म दिया गया है ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं वो एक है इसकी कोई औलाद नहीं मगर फिर भी इसकी कई मूर्तें बनाकर और इसके शरीक खुदा बनाकर इनकी पूजा होती है और अब तक हिंदू मज़हब के अंदर छोटे बड़े तकरीबन कई मिलियन खुदा बनाए जा चुके हैं हिंदू स्कॉलर्स का यह दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई मगर हिंदू मज़हब इससे भी पहले दुनिया का पुराना तरीन मज़हब है इसीलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है लेकिन ये कम अकल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था जी हाँ हजरत आदम सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका श्री एक पहाड़ी पर उतारा गया था जहां पर आज भी इनके कदम का निशान मौजूद है यानी सरजमीन पर पहला ही कदम एक मुसलमान और पैगम्बर ने रखा जिसका मतलब कि इस्लाम की इब्तदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई क्योंकि मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले कर देने वाला इसका हुक्म मानने वाला इंसान हैरत अंगेज़ तौर पर लफ्ज़ आदम भी संस्कृत जबान का लफ्ज़ है जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की जबान है न कि अरब की जबान जिसका संस्कृत में मतलब है कि पहला शुरुआती या औरिजनल इसीलिए आदमी का मतलब है आदमी की औलाद जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर सम्बुआ मनु कहकर पुकारा गया है और अगर हिंदू किसी तरह से इनके वजूद से इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि इनकी मुकदस किताब रगवेद और भविष्य पुराना में आदम की तख्लीक फरिश्तों का इन्हें सद्दा करना आदमी से हज़रत हवा की तख्लिक शैतान का इन दोनों को बेका कर जन्नत से निकालना और फिर जमीन पर उतारने का मौजूद है भविष्य फोर टू सेवन के अंदर ये तमाम वाक्य बयान है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सुराल बकरा में और अनजीला मुकदसा में भी मतीसा पुराना के अंदर लिखा है कि खुदा ने आदम सलाम के जिसम को दो हिस्सों में तकसीम किया एक को सबुआ मनु यानि और दूसरी को फीमेल यानी शत्रुपाका बनाया जिन्हें मुसलमान हजरत बीबी हवा के नाम से जानते हैं जिसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया के सबसे बड़े मजाहब के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद हैं तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए यानी एक खुदा श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कदीम तरीन कुदरती ब्रिज आज भी हजारों सालों से पानी के दरमियान मौजूद है जिसका बनना कोई तफाक नहीं है सो इसके बाद सबसे अहम सवाल यह है कि इस हिंदू सरजमीन पर किस पैगंबर को भेजा गया होगा क्या इस बारे में हमें तारीख में कोई शवाहद या सबूत मिलते हैं सबसे पहली बात कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीख़ के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है और ना ही हिंदू मजहबी किताबों में और ना ही कोई और आसमानी किताब मसलन तरत जबूर अंजील के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद है बल्कि दरियाए सिंध के पास रहने वाले सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके की नस्बत की वजह से नाम को बिगाड़ कर हिंदू कहलाए जाने लगे जबकि असल में इनका ये मज़हब संस्कृत की जबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से तारीख में मौजूद है जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरानी करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है जहाँ पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है यानी सनातन धर्म का मतलब ही मजहब इस्लामी है तारीख के हवालों और मज़बूत दलाल से यह पता चलता है कि ये वेद किसी और पैगम्बर पर नहीं बल्कि आदम सानी यानी हज़रत नूसलम पर उतारे गए जिसमें इन्हें महा नुआ कहा गया है वेदों में पैगम्बर और अज़ीम शख्सियात के लिए मनु का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है लिहाजा नू आम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम वाक़ तफसील से मौजूद है जैसा कि कुरानी करीम की सुराह में और बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर सेवन के अंदर भी ये बयान है वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं इन वेदों को नाफिज करूंगा और भविष्य पुराना चैप्टर फोर टू के से नू असलम के तूफान के बारे में बयान किया गया और ये भी कि इस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर इसके अंदर जानवरों को सवार करने का हुक्म दिया जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसने भारत वर्ष यानी हिंदुस्तानी सरजमीन पर जिंदगी को खत्म कर दिया लफ्ज नू संस्कृत जबान के अंदर भी मौजूद है जिसका मतलब है बोट यानी कश्ती वाला वही मतलब जो कि अरेबिक जबान के अंदर है इस दौरान ये वेदास फ्यूचर के बारे में बयान कर रही हैं कि कैसे एक बड़ा तूफ़ान आने वाला है और कैसे एक बार फिर से इंसानियत की शुरुआत होगी और वेदास में नू सलाम को कुल 74 फोर जगह पर नाम के साथ बयान किया गया है फ़्रांस के एक राइटर ए जे ए ने हिंदू मज़हब और रिवायात को चालीस साल तक पढ़ा और बताया कि तूफ़ान नू के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन एक सराह की तरह थी जिसे आबाद किया गया और ख़ुद वेदास भी बार बार नू सलाम को ही मुखातिब करके इनके वाकयात बयान कर रही हैं जिसका मतलब कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नू सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है और तूफ़ान नू के बाद जिन वेदास को नाफिज करने का बयान किया गया था वो हफ़रत नू सलाम की ही तालीमात थी जो इस तूफ़ान के बाद इस हिंदू सरजमीन पर इनके एक बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई जिसके बाद इस कौम ने गुमराह होकर बुधप्रस्ती करनी शुरू कर दी क्योंकि तारीख के हवालों से हमें पता चलता है कि नू असल्लाम की कौम के जैसे देवी देवताओं की पूजा करने का तस्वुर दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था कुरान करीम में नूसलम की कौम को साबिक आ गया जो कि इराक की सरजमीन को कहते हैं जहाँ पर हज़रत इब्राहिम पैदा हुए जिनकी कौम यही मुशरक़ थी जिन्होंने नू सलाम और इनके दरमियान आने वाले तमाम नबियों की तालीमत को या तो बदल दिया था या फिर बुला दिया था और इन्हीं बुतों की पूजा करती थी इसके अलावा ये फरिश्तों की भी बारत किया करते थे इसीलिए खुदा के साथ साथ इन लोगों ने फरिश्तों की मूर्तियां बना बना कर इन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह तला ने फरिश्ते मुकर किए हैं और वो अपने हर बड़े काम के लिए अल्लाह तरफ से पाबंद है इसी तरह से इन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा मूर्तियों की सूरत में बना लिया ये लोग सितारों और आग के भी पुजारी थे इसलिए आज भी हिंदू कौम सितारों के इल्म के अंदर इतना यकीन रखती है और आग की भी प्रस्तिश करती है इसे मुकदफ़ जानती है मगर सबसे अहम सवाल यह है कि यह सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर वाज तौर पर एक खुदा और पैगम्बरों की तालीमत को वाज तौर पर देख कर भी हिंदू कौम इसका इनकार आखिर क्यों करती है क्यों नहीं मानती कि अल्लाह तला के वादा के मुताबिक इनकी कौम के अंदर भी अल्लाह का पैगाम उतारा गया इन्हें भी डर सुनाया गया यह बात समझने के लिए आपको सही बुखारी की एक अदीस मुबारक के बारे में जानना होगा कि अबू सईद से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कियामत के दिन हज़रत सलाम और इनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला ताली सलाम से यह सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुँचा दिया था हज़रत सलाम कहेंगे कि बेशक मेरे मालिक जिसके बाद सलाम की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नू ने मेरा हुक्म तुम तक पहुँचा दिया था ये लोग इनकार करेंगे कि नहीं हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला अल्लाह ताला ताली नऊसम से फ़रमाएंगे कि आपका गवाह कौन है वो फरमाएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम और इनकी उम्मत फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नू आम ने अपना पैगाम या अल्लाह का हुक्म पहुँचा दिया था जिसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल बकरा की आयत एक सौ तिरतालीस पढ़ी कि और इसी तरह से हमने तुम्हें उम्मत वस बनाया यानी दरमियानी उम्मत बना दिया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहें जिससे यह साबित हुआ कि यह हिंदू कौम कभी भी अपने नबी सलाम की तलीमत या किसी और पैगम्बर को तस्लीम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मज़हब इस्लाम ही था जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल को खो चुका है आज ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इन लोगों तक तो अल्लाह का पैगाम सही हालत के अंदर पहुंचाते क्योंकि हमारे रसूल को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा गया अब क्या मत तक क्योंकि किसी रसूल या पैगम्बर ने नहीं आना इसलिए अब यह काम उम्मत मुस्लिमा के जिम्मे है जिनसे क्यामत के रोज़ इस बारे में सवाल किया जाएगा डॉक्टर जाकिर नाइक और अहमद दीदाज़ जैसे लोगों ने मौजूदा दौर के अंदर इसकी बहुत कोशिश की और काफ़ी हद तक अपनी तहकीक़ से लोगों को मुसलमान भी किया इन्हें लॉजिकली तौर पर हकीकत तक पहुंचाने में कामयाब रहे मगर अफसोस के हमारे मुल्क पाकिस्तान में फ़िरका वारीत से भरा हुआ दिन इस अंदाज़ के अंदर मौजूद है जो कि हम पूरी दुनिया में तबलीग के तौर पर पेश करने के काबिल नहीं है क्योंकि आज का मुसलमान तहकीक़ के मामले में और इलमी मैदान में दुनिया से बहुत पीछे रह चुका है अच्छा हमने ये वीडियो मतलब देखी है हुँ? आज हमने ये वीडियो आई थिंक कहीं देखी है मुझे याद नहीं आ रहा उसका टाइटल ना कि उसमें भी बताया है कि प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र जो है हिंदू धर्म की किताबों में कौन सी वीडियो है वो अभी देख यार कल परसों देखी है वो वीडियो मेरे को भी दिमाग में नहीं आ रहा यार कि जर्जी संसारी वाली हाँ जर्जी संसारी वाली वीडियो क्या क्या क्या, क्या टाइटल है तो उसने भी ये बात बताई है उन्होंने कि ऐसे ऐसे मतलब प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र जो है हिंदू धर्म की किताबों में किया गया है ना वो हमें उन्होंने बताया और हमें जो है आ, हमारी इसमें लिखा भी है सो so, ये था वीडियो का टाइटल की प्रॉफिट नो को भेजा हाँ। तो गया नहीं भेजा गया है लिखा गया है नो के शब्द लिखा है उसका मीनिंग होता है शिप और कोई

टेस्ट कीजिए ताकि हम बनाएं और आपको खुश रखें और हम भी खुश रहें सब बाकी फिलहाल जुड़ते हैं तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में